मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शनिवार को 5 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 5700 श्रमिकों को लेकर गोरखपुर स्टेशन पहुंची। इस दौरान सभी श्रमिकों को ट्रेन से उतारने के बाद एक एक मीटर की दूरी के घेरे में खड़ा करके उनका थर्मल स्कैनिंग किया गया और नाम पता नोट किया गया। उसके बाद उनको लंच पैकेट, फल, बिस्किट, पानी की बोतल देने के बाद श्रमिकों को उनके जिले की बसों में बैठाकर उनके गंतव्य को रवाना किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, आज 5 ट्रेनें शेड्यूल्ड हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर, जिसमें से 2 ट्रेनें आ चुकी हैं और 2 ट्रेनें अभी रास्ते में हैं, आ रही हैं। एक ट्रेन अभी देर रात तक आने की संभावना है। सर, यात्रियों को क्या क्या सुविधा दिया जाएगा? यात्रियों को जो भी स्टेशन पर उतरते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर, सारा डिटेल लेने के बाद उनको फूड पैकेट्स और वाटर बॉटल वगैरह उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा स्कैनिंग या ऑक्सीमीटर से उनकी स्कैनिंग की जाती है। इसके बाद सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उनको उनके संबंधित जनपदों की बसों में बैठाकर यहां से रवाना किया जाता है। कितनी बसों को लाएंगे? आज हमारे पास 176 बसेज हैं। हर स्टेशन पे 50-50 लगी भी हुई हैं।